हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, फाइबर्स टू फैब्रिक। तो इससे पहले हमने बात की थी वूल की, आज मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपका लास्ट 6 क्लास का रिवाइज करवाना चाहती हूँ, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो देखिए चैप्टर है फाइबर्स टू फैब्रिक। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स की। तो फाइबर्स क्या है? दीज आर द थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ ए थ्रेड। ओके, सबसे जो बारीक स्ट्रैंड होते हैं किसी भी थ्रेड के, उनको हम फाइबर कहते हैं। अब बात करते हैं फाइबर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज नेचुरल फाइबर्स एंड अनदर आर आर्टिफिशियल मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। दीज फाइबर्स वी विल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स को अगेन हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ओके, प्लांट फाइबर कौन से होते हैं? जो हमें प्लांट से मिलते हैं, एंड एनिमल फाइबर आर दोज विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। प्लांट फाइबर में जूट और कॉटन, ठीक है, ये हम 6 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि जूट तो हम किससे ऑब्टेन करते थे? स्टेम वाले पार्ट से। ओके, और कॉटन हमने ऑब्टेन की थी उसके फ्रूट या कॉटन बॉल से। अब बात आती है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एनिमल फाइबर कौन से होते हैं? विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इसमें एक है आपका वूल और दूसरा आपका सिल्क। इज दैट क्लियर बेटा? अब वूल है, वो वूल यील्डिंग एनिमल से हमें मिलती है। मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल याक है, अंगोरा गोट है, सिंपल गोट है, सिप है, ठीक है, उसके अलावा कैमल है, लामा है, अल्पेका है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वूल यील्ड करते हैं। ओके, अब ये जो वूल है, सेकंड बात आती है सिल्क, तो ये हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं वूल। तो वूल मेनली 2 टाइप के हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो भी सिप गोट याक वगैरह होता है उनकी बॉडी पे 2 टाइप के हेयर होते हैं। फर्स्ट टाइप का जो हेयर है दैट इज कोर्स, सॉरी, फर्स्ट टाइप के जो हेयर्स हैं बेटा दैट इज कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है। कोर्स बियर्ड हेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो उनके माउथ के पास रहते हैं। बियर्ड क्या होती है? दाढ़ी। दाढ़ी कहाँ होती है? माउथ के पास। तो जो भी सिप वगैरह का जो फेस होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये उनका फेस है सिप वगैरह का, ठीक है, और ये यहाँ से बॉडी शुरू होती है। तो ये वाला जो फेस है ना बेटा, तो इसके आसपास जो हेयर्स होते हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं कोर्स बियर्ड हेयर। ये काफ़ी रफ होते हैं, ठीक है। और दूसरी टाइप के जो हेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है, क्लोज टू द स्किन। और दूसरी टाइप के जो हेयर होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, यानी बाकी जो पार्ट्स पे हेयर्स होते हैं वो सॉफ्ट हेयर होते हैं। तो 2 टाइप के हेयर्स होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? फिर वूल मिलती है। अब बात करते हैं, देखिए एक यहाँ पे पॉइंट है आपका। ओके, बिफोर दैट वी वर डिस्कस ए लिटिल बिट अबाउट द आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर्स को मैनमेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। ये तो वो फाइबर है जो हमें नेचर से मिलते हैं। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर वो है जिन्हें ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में किसी भी चीज़ का यूज़ करके वो बनाते हैं। तो ये है नायलॉन है, रेयन है, पॉलिस्टर है, एक्रीलिक है, और भी बहुत सारे फाइबर्स आएंगे, इनको हम 8th क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब एक मेन डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, ये बात है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। देखिए सेलेक्टिव मतलब होता है सेलेक्शन, ठीक है, सेलेक्शन। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको कोई ड्रेस परचेज करनी है, तो ऐसा तो है नहीं उसने जो दिखाई आप उठा के लेके आ गए, नहीं है ना। आप क्या करेंगे? आप सेलेक्ट करते हो, ऐसे डिज़ाइन की दिखाओ, ऐसे कलर की दिखाओ, ऐसे कपड़े की दिखाओ, राइट और नॉट? तो वो सेलेक्शन होता है। यहाँ पे भी बात हो रही है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होता है बेटा? जो इंटीमेशन होता है, जो मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, जो मेटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग, ठीक है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स। कहने का मतलब ये है, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 4 सिप हैं, ए बी सी एंड डी। ओके, अब हमें पता लगा कि भाई जो ए वाली जो सिप है ना, उसके बहुत ज़्यादा हेयर्स की ग्रोथ होती है। हेयर्स कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ, ठीक है। लेकिन हमने बात की कि भाई जो बी है ना, उसके हेयर्स बहुत सॉफ्ट है, बट थोड़े से क्या है, कम है, क्वांटिटी में लो है। अब हमें पता लगा कि भाई जो सी है, ठीक है, इसके जो हेयर्स हैं वो कोर्स हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा है। पता लगा कि डी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। प्रोडक्टिविटी मतलब इसके हेयर्स बहुत इजीली सेव्ड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, और इनके जो हेयर्स हैं वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं,
ठीक है। अब आपको मान लीजिए आपके पास ये करेक्टर्स हैं, अंडरस्टैंड, आपको पता लगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो सिप है या हमारे पास जो भी एक डेवलपमेंट हो नई सिप का या गोट का, उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा भी हों, बहुत बेस्ट क्वालिटी के भी हों और उसके सॉफ्ट हेयर हों, तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके इनके बीच में क्रॉस करवा देंगे। इज दैट क्लियर? क्रॉस यानी इनकी मेटिंग करवा देंगे और जो एक नई प्रोजेनी आपको मिलेगी ई, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, सॉफ्ट हेयर होंगे, लॉट ऑफ हेयर्स होंगे। वैसे ही हम इनकी भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा सकते हैं, तो हेयर्स बहुत बेस्ट क्वालिटी के होंगे और बहुत ज़्यादा भी होंगे। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन द सिप टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, मतलब मान लो आपको सॉफ्ट हेयर लेने हैं तो आप सॉफ्ट हेयर वाली से इनका मेटिंग करवा दी और आपको एक ऐसा ही सिप मिल गई जिसके पास बहुत ज़्यादा भी हेयर और सॉफ्ट भी है। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा एक पश्मीना शॉल बहुत फेमस है। पश्मीना शॉल कहाँ मिलता है आपको? जे एंड के की साइड में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जो कश्मीरी गोट हैं, अंगोरा गोट हैं, उनकी वूल से ये बनाया जाता है पश्मीना शॉल, एंड इट इज़ सो फेमस, आपको पता होना चाहिए। ओके, पश्मीना शॉल है, इसकी खास बात मानते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसको अगर आप चाहो तो फोल्ड करके अपनी मुट्ठी के लायक कपड़ा बना सकते हो, बट बहुत वार्म अप करता है बॉडी को, बहुत गर्म होता है। ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे।